आज बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में, MBA करना चाहिए या CFA करना चाहिए। एज यू नो, मैं करंटली CFA का लेवल 3 कर रहा हूँ, मेरी एग्जाम है कुछ ही महीनों में, एंड मैं आपको अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगा ही, लेकिन मैंने MBA पर भी काफी रिसर्च किया और मैंने खुद ने CFA MBA के बीच में चॉइस जब करनी थी, मैंने CFA चूज किया। ऑब्वियसली मैं बायस के साथ आपको नहीं बताऊंगा, दोनों बहुत ही अच्छे कोर्सेज है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं और आप दोनों कोर्सेज करके एक बहुत अच्छा करियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने CFA और MBA को 6 कैटेगरीज के अक्रॉस कंपेयर किया है ताकि आप एक सेंसिबल डिसीजन बना सकते हैं अपने करियर पाथ के लिए। आपको इस वीडियो के थ्रू दोनों कोर्सेज के बारे में एक अच्छी खासी आइडिया मिल जाएगी। सबसे पहली कैटेगरी है कि आप क्या सीखेंगे। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम बहुत बार कॉलेज में गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर 1 से 2 साल वहां पर बोर होना पड़ता है। किसी एक फोरम पर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी, जहां पर एक इंसान ने कहा था कि MBA इज अ माइल वाइड एंड अ फुट डीप, बट CFA इज अ फुट वाइड एंड माइल डीप। ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कंपैरिजन है इन दोनों कोर्सेज के स्टडी मैटर को लेके। देखिए, MBA जो होता है वो एक बहुत ज्यादा मैनेजमेंट फोकस्ड कोर्स होता है। जब आप MBA करते हो तो जो भी करियर पाथ आप चूज करते हो, आप उस हिसाब से MBA को कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब MBA करने के बाद आप कंसल्टिंग में जा सकते हो, आप HR में जा सकते हो, अगर आपको मैनेजमेंट पोजीशंस में इंटरेस्ट है तो आप वहां जा सकते हो, आप फाइनेंस में जा सकते हो, आप बहुत सारी अलग अलग चीजें कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप बिजनेस ऑपरेशन से लेके मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट सीखते हो। बिकॉज ऑब्वियसली MBA इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप एक बिजनेस के डे टू डे से लेके बिग पिक्चर ऑपरेशन के बारे में ज्यादातर चीजें सीखोगे और देखोगे कि आप किसी भी बिजनेस को कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो। बोलने का यह मतलब है कि MBA में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, लेकिन इतने ज्यादा डेप्थ में नहीं। अब आते हैं CFA की तरफ, जो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री पर फोकस्ड है। अगर आपको एक इक्विटी एनालिस्ट बनना है तो आप CFA कर सकते हो, आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर बनना है, क्रेडिट एनालिस्ट बनना है, या एक बॉन्ड पोर्टफोलियो को मैनेज करने वाला इंसान बनना है, तो CFA आपके लिए परफेक्ट है। द रीजन बीइंग, ये जो सारे फील्ड होते हैं ये CFA में आपको इन डेप्थ सिखाए जाएंगे। CFA जितना करंटली अप्लाइड कोर्स मेरे हिसाब से फाइनेंस में एग्जिस्ट नहीं करता। आपको हजारों ऐसे फाइनेंस के कोर्सेज दिखेंगे जो आपको अलग अलग चीजें सिखाएंगे, लेकिन CFA आपको यही सारे कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ सिखाता है और रियल वर्ल्ड में इसके एप्लीकेशन सिखाता है। आप CFA में बहुत कम ऐसी चीजें सीखोगे जो एक्चुअल में सिर्फ थियरी है। तो अगर आप पर्टिकुलरली फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके, बैंकिंग को लेके, क्रेडिट मार्केट्स को लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हो तो CFA आपके लिए परफेक्ट होगा। अब यहाँ पर एक और चीज नोट कर लीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि एक कोर्स दूसरे से बेटर है। इट जस्ट बॉइल्स डाउन टू आपकी क्या प्रेफरेंस है। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो MBA फाइनेंस होते हैं और एसेट मैनेजमेंट में काम करते हैं, फिर बहुत से लोग CFA होते हैं जो कंसल्टिंग में काम करते हैं। ये दोनों डिग्रीज इतनी इन डेप्थ और हाई क्वालिटी होती है कि आप किसी भी फर्म में अच्छी खासी वैल्यू ऐड कर सकते हो अगर आप सही कैंडिडेट हो तो। लेकिन क्या चूज करना है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट किस में है। बातें नंबर 2 कैटेगरी पे, जो है कि आप काम क्या करोगे। एक बार ये डिग्री खत्म कर दी तो जॉब जो मिलेगी वहां पर आपका क्या रोल होगा। देखिए, एज आई सेड, MBA के केस में आपका जो रोल होगा वो और भी ज्यादा जनरलाइज्ड होगा। जैसे आप एक बिजनेस की ओवरऑल लेवल पर वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हो, जैसे आप उस बिजनेस के लिए कंसल्टेंट हो, या फिर एक स्ट्रेटजिस्ट हो, या फिर आप उस बिजनेस के लिए मार्केटिंग हैंडल करते हो, या फिर आप उस बिजनेस में स्ट्रेटजी संभालते हो, या एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हो। बेसिकली एक ओवरऑल रोल, एक ऐसा रोल जो बिजनेस सेंट्रिक होगा, ना कि इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक। यही सेम सिचुएशन अगर CFA के केस में देखेंगे तो आप शायद एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का काम कर सकते हो। आप एक कंपनी को ऐसे प्रोजेक्ट्स पर हेल्प कर सकते हो जहां पे कंपनी को डिसाइड करना है एक बंच ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में से, और आप उनको हेल्प कर रहे हो उसमें से सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट चूज करने। सिमिलरली अगर आप एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप एक पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो, आप एक म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट टीम में हो सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअल लोगों के लिए एक एसेट मैनेजर बन सकते हो, या उनको एडवाइस दे सकते हो बेस्ड ऑन वेयर दे शुड इन्वेस्ट देयर मनी। डू नोट दैट आपको लीगली लोगों को एडवाइस देने सेबी रजिस्ट्रेशन लगता है, CFA का उससे कोई लेना देना नहीं। सेबी रजिस्ट्रेशन एक अलग डिपार्टमेंट होती है। अगर आप MBA करके भी लोगों को एडवाइस देना चाहते हो, सेबी रजिस्ट्रेशन लगेगा। ये दोनों कोर्सेज आपको जो स्किल्स देंगे, मैं सिर्फ उन्हीं स्किल्स की बात कर रहा हूँ, रेगुलेशन एक अलग मैटर होता है। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 3 पे, द रिक्वायरमेंट टू डू CFA और MBA, करना कैसे है। देखिए, CFA के केस में सिर्फ 2 मेन रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको मीट करनी होती है अगर आपको नाम के आगे CFA लगाना हो तो।
दैट इज नंबर वन, तीनों एग्जाम्स पास करनी है। एंड नंबर टू, सीएफए की वेबसाइट के हिसाब से यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4000 आवर्स ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन फाइनेंस फील्ड एंड अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये चीज आपको मिनिमम 36 मंथ्स के अंडर कंप्लीट करनी होती है, यानी 36 महीनों के अंदर आपने पढ़ाई और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में काम किया है। ये टोटल टाइम अगर मिलाते हैं तो 4000 आवर्स अगर बनता है तो आपको सीएफए चार्टर दिया जा सकता है। चार्टर मतलब नाम के आगे सीएफए लगा सकते हो, सिर्फ एग्जाम क्लियर करने से ये राइट नहीं मिलता। अगर हम सिर्फ एग्जाम्स की बात करें तो ऑन एवरेज लोगों को 2 से 3 साल लगते हैं तीनों एग्जाम्स को क्लियर करने। अब चलिए एमबीए की तरफ आते हैं, ये एक मास्टर्स डिग्री है, इसको करने अप्रोक्सीमेटली 2 साल लगते हैं। वैसे कोई कॉलेजेस है जो आपको 1 साल का एमबीए भी ऑफर करते हैं, लेकिन ऑन एवरेज आप 2 साल पकड़ के चलिए। ऑब्वियसली कोई भी मास्टर्स डिग्री करना है आपको बैचलर्स की जरूरत लगेगी, सीएफए के केस में भी आपको बैचलर्स डिग्री की जरूरत होती है। लेकिन एक चीज होती है, अगर आप बैचलर्स डिग्री के फाइनल ईयर में हो तो भी सीएफए के एग्जाम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है टोटल खर्चा, पैसे कितने देने पड़ेंगे इसमें से कोई भी एक डिग्री करने के। देखिए शुरू करते हैं सीएफए के साइड से, वहां पर पैसे आप कितने दोगे ये डायरेक्टली डिपेंड करता है आप कितने बार एग्जाम अटेम्प्ट करते हो। एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी होती है $350 की, जो फीस वगैरह कटने के बाद रफली 30,000 रुपए की बनती है। और उसके बाद हर एक एग्जाम जो आप देते हो उसकी अटेम्प्ट करने की फी होती है 80,000 रुपए। तो अगर आप एक अटेम्प्ट में हर एक एग्जाम क्लियर करते हो तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस ये 30,000 रुपए की वन टाइम फी। और अगर आप ट्यूशन लगाने की बात करते हो तो आपको रफली 50,000 से 1,00,000 रुपए लगेंगे पर लेवल के। ये रेंज इतनी वाइड इसलिए है क्योंकि अलग अलग सिटीज में प्राइसेस अलग अलग होते हैं। बहुत से लोग वीकेंड प्लान्स के लिए सस्ता चार्ज करते हैं, वीकडे प्लान्स के लिए महंगा, एटसेट्रा। पर लेवल स्टडी मटेरियल के 5 से 6,000 रुपए लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। बोलने का ये मतलब है कि टोटल अगर आप हर एक चीज मिला देते हो और एक अटेम्प्ट में हर एक लेवल क्लियर करते हो तो भी आपका खर्चा 4.5 से 5 लाख रुपए से नीचे ही होगा। और अब बात करते हैं एमबीए की, जहां पर फीस लिटरली बहुत ही ज्यादा वेरी करती है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, अलग कंट्रीज में भी एमबीए का कॉस्ट वेरी करता है। भारत में अगर हम सबसे टॉप बिजनेस स्कूल्स देखेंगे जैसे IIM, तो वहां पर आपको 20 से 30 लाख रुपए देने होंगे एमबीए करने के। प्राइवेट स्कूल्स जैसे ISB आपको 40 से 45 लाख लेंगे एमबीए करवाने के। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि कॉस्ट के मैटर में तो सीएफए एक क्लियर विनर है, लेकिन रुकिए थोड़े और प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ जो आपको शायद एमबीए के तरफ पुश कर सकते हैं। दैट इज द नेक्स्ट कैटेगरी के, पढ़ाई कैसे होती है और एग्जाम कैसे होगी। देखिए सीएफए सिखाने के लिए कोई कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको सिखाएगा। सीएफए एक सेल्फ पेस्ड डिग्री है। सीएफए का फंडा सिंपल है, एग्जाम क्लियर करो, वर्क एक्सपीरियंस दिखाओ और नाम के आगे CFA लगा लो। लेकिन MBA एक क्लासरूम एक्सपीरियंस है, यहाँ पर 2 साल आप एक क्लासरूम में बिताओगे, आप प्रोफेसर से बात करोगे, प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। बहुत सारे अच्छे बिजनेस स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो आपको यहाँ पर अच्छी चीजें सिखाएंगे, ऐसी चीजें जो आपको आगे जाकर आपके मैनेजमेंट करियर में हेल्प करेगी। तो अगर आपको एक क्लासरूम एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो MBA माइट बी द बेटर ऑप्शन फॉर यू। और एग्जाम की बात करें तो MBA के लिए कोई फिक्स्ड एग्जाम पैटर्न नहीं होता, अलग अलग कॉलेजेस का अलग एग्जाम सिस्टम होता है। CFA के इसमें एग्जाम पैटर्न सिंपल है, लेवल 1 पूरी तरह से MCQ होता है, एक क्वेश्चन होगा, 3 ऑप्शंस होंगे। लेवल 2 विनेट बेस्ड MCQ होता है, यहां पर आपको एक कहानी बताई जाएगी और उसके हिसाब से MCQ सॉल्व करने होंगे, अगेन 3 ऑप्शन होते हैं। लेवल 3 हाफ हाफ होता है, आधा पेपर आपको MCQ देना होगा विनेट फॉर्मेट में और बाकी का आधा पेपर आपको स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस आंसर्स देने होते हैं, यानी कि 1 से 2 लाइन के अंदर समझाना है एग्जामिनर को। अब बात करते हैं कॉम्पिटिशन के बारे में कि कितने लोग होते हैं MBA, वहां पर कॉम्पिटिशन कैसा है, CFA में कॉम्पिटिशन कैसा है। देखिए अगर आपको IIM में जाना है तो आपको अच्छा खासा परसेंटाइल लाना पड़ता है, मतलब यहाँ पर आपका एडमिशन डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आप बाकी कैंडिडेट्स के साथ कैसे कम्पीट कर रहे हो। और अगर हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो हर साल इंडिया में 3 लाख लोग MBA की डिग्री लेकर ग्रेजुएट होते हैं। तो ऑब्वियसली एक MBA होना आपके लिए इतना बड़ा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं होगा क्योंकि लोग भी बहुत ज्यादा है, यू हैव टू बी द बेस्ट। इसीलिए MBA के केस में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप MBA कहां से करते हो। CFA की बात करें तो ये भी एक MBA इक्विवेलेंट है, ये भी लोग बैचलर्स के बाद ही करते हैं, इसको करने भी उतना टाइम लगता है, डेप्थ भी यहां पर उतना ही होता है मोर ऑर लेस। और सिमिलर रोल्स के लिए सैलरी भी सिमिलर होती है, सैलरी की बात एंड में करेंगे। यहाँ पर अगर कंपटीशन की बात करें तो करंटली पूरे दुनिया में सिर्फ 1,80,000 लोग हैं जिनके पास CFA का चार्टर है। और यहाँ पर आप एडमिशन के लिए बाकी लोगों के साथ कंपीट नहीं करते, यहाँ पर सिंपल फंडा है, एग्जाम क्लियर करो, एंड ऑफ स्टोरी। और अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए ऑन एवरेज भारत में एक MBA कैंडिडेट 7 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक कमा सकता है स्टार्टिंग लेवल पर, गिवन दैट उनके पास 1 या 2 साल से ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है। ऑब्वियसली 7 लाख या 20 लाख या उससे भी
ज्यादा ये डिपेंड करेगा आप MBA कहां से करते हो और आप वहां पर कैसे कैंडिडेट थे। ये सैलरी डेटा पेस्केल और ग्लासडोर जैसे वेबसाइट्स ने पब्लिश किया था। अब CFA के केस में सैलरी की बात करें तो ऑन एवरेज एक लेवल 1 कैंडिडेट 6 to 9 lakhs पर एनम कमा सकता है डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस। एक लेवल 2 कैंडिडेट 13 to 17 lakhs। और यहां पर आपको एक पर्सनल इंसिडेंट बताता हूं, CFA इंस्टीट्यूट बीच बीच में आपको प्लेसमेंट ऑफर्स भेजेगा अबाउट कंपनीज दैट आर हायरिंग CFA कैंडिडेट्स। पिछले साल मुंबई में रहने वाले CFA कैंडिडेट्स को ऐसे 2 to 3 ऑफर्स आए थे जहां पर CTC 16 to 18 lakhs पर एनम की थी। और CFA लेवल 3 कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया इनके पैकेजेस 20 lakhs तक जा सकते हैं और CFA चार्टर होल्डर्स के केस में एवरेज पैकेज 40 लाख तक का है। ये डेटा खुद CFA इंस्टीट्यूट ने पिछले साल कलेक्ट की थी भारत में। मिंट में इसका आर्टिकल भी आया था इसी साल। इन्होंने 23 इयर्स से लेकर 34 इयर्स तक के कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया। उन्होंने ये देखा कि लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद आपको जो सैलरी मिलती है व्हेन कंपेयर्ड टू द CFA चार्टर, इसमें 192% का डिफरेंस था। एनीवे दोस्तों, आई होप आपको CFA और MBA के डिफरेंस पर एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया। अगर हाँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसा हाई वैल्यू कंटेंट आप तक पहुंचाता रह सकूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।